फ्रेंड्स, असेसमेंट ये 2021 से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की एक्सटेंशन से रिलेटेड सीबीडीटी ने नया ऑर्डर पास किया है 11 जनवरी 2021 को, जिसमें के बताया गया है कि गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा सीबीडीटी को कहा गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड की जाए असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइलिंग के लिए। इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी ने कहा है कि ऑलरेडी 3 बार इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट को एक्सटेंड किया जा चुका है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहले रिटर्न फाइलिंग डेट नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई थी, जो कि एक्सटेंड करके 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। टैक्स ऑडिट पहले 30 सितंबर 2020 तक कराना था, जो कि एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। और टैक्स ऑडिट केस के लिए भी 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट की गई है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट 1920 में फाइल की गई थी, उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट 2021 में ऑलरेडी फाइल कर दी गई हैं। इसके अलावा जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि ऑलमोस्ट जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लास्ट डेट्स में ही फाइल की जा रही है, और 24% जो टोटल ऑडिट रिपोर्ट हैं लास्ट 3 डेज में ही ड्यू डेट से पहले फाइल की जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री में डेट एक्सटेंशन है वो भी कंपेयर की गई, और ये देखा गया कि दूसरी कंट्री ने बहुत कम एक्सटेंशन दी है या फिर नहीं दी है। जैसे कि यूके ने कोई एक्सटेंशन नहीं दी है, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड ने भी कोई एक्सटेंशन नहीं दी है, यूएसए टेक्स्ट्रा में बहुत कम एक्सटेंशन दी गई है। इसलिए सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स की रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी यहाँ पे कोट किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि कट ऑफ डेट टैक्स अथॉरिटीज़ को डिसाइड करनी होती हैं फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। यदि इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी डिले हो जाता है और वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी डिले होती हैं। इसलिए सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं होगी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फ्रेंड्स, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।